हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया मैटर अराउंड अस में। मैटर क्या होता है? मैटर हमारी कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास हो। मास मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? वेट। वेरी गुड। जिसके अंदर वेट हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब जो स्पेस को घेरती है या जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है स्पेस को कंज्यूम करने की, वो हमारा मैटर कहलाता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज मैटर से बनती है, क्योंकि तीन चीज स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हर चीज में कुछ ना कुछ मैटर तो होगा। सॉलिड भी मैटर होगा, लिक्विड भी मैटर होगा, गैसेस भी मैटर ही होगा। तो मतलब हमारे आसपास, आप जहाँ पे भी जिस भी जगह बैठे हो, आप अपनी नजर घुमाओ, आसपास हर चीज मैटर होगी। आपने पेन पकड़ रखा, वो सॉलिड स्टेट। हवा आ रही है आपको फैन की, वो गैसेस स्टेट। अगर आप पानी पियोगे तो वो लिक्विड स्टेट। एवरीथिंग, हर एक चीज हमारी मैटर कहलाती है। और मैटर हमारी वन टू ऑल सब चीजों में होता है। मैटर हमारा होता है हर एक चीज जिसमें हमारी स्पेस होती है, जिसके अंदर वेट होता है, वो हमारा मैटर कहलाता है। मैटर हमारे आसपास सब चीजें होती है। वी ऑल आर सराउंडेड बाय मैटर अराउंड अस इन ऑल फॉर्म। हम मैटर के इर्द गिर्द मन है, पर हम मैटर हमारे सारे आसपास है। ये मैं आपसे अभी डिस्प्ले नहीं करवा रही, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है। अब तीन हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। वैसे तो पांच होते हैं। आप 11th में साइंस लोगे तो केमिस्ट्री में आपके दो BMR और एक प्लाज्मा, तीन दो और होते हैं। लेकिन अभी आप छोटे हो तो आप ये समझ लो तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट को पहले आप रीड करो। वैसे भी इनकी अच्छे से मैं आपको प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, इसमें इंपॉर्टेंट ये है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, सॉलिड स्टेट हमारी एक काइंड की स्टेट ऑफ मैटर होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट फास्ट चिपके होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब आप अगर कहोगे आप एक चेयर को एक बार में तोड़ दोगे, नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये काफी स्ट्रांग होते हैं, इनके बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल्स? छोटे से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल्स? इसमें आपको पूरे में यही चैप्टर में सुनाई देगा, पार्टिकल्स पार्टिकल्स क्या होते हैं पार्टिकल्स। हाँ कैसे भी बता दो, हिंदी में बता दो। हाँ वेरी गुड। एटम आपका चैप्टर 3 है। एटम मतलब जो हमारे छोटे छोटे एटम्स से मिलके बनते हैं, जो छोटे मैटर से मिलके, मैटर से छोटे एटम्स होते हैं। तो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वो मिलके हमारे मैटर को बनाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में बहुत फास्ट फास्ट चिपके होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, स्पेस नहीं होते, इसलिए काफी टाइट चीजें होती है, सॉलिड चीजें होती है, तभी तो उसका नाम सॉलिड स्टेट है। सीरियल टेबल, एक दो एग्जाम्पल हो देना सॉलिड स्टेट के, सीरियल टेबल के अलावा। हाँ हाँ बोल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस होता है। आप सेकंड, आपको सॉलिड स्टेट समझ आए? आप लिक्विड स्टेट पढ़ो। क्या है लिक्विड स्टेट? हमारी सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये हमारी ऐसी स्टेट होती है जिसकी कोई शेप नहीं होती है, डू नॉट हैव एनी शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। मतलब आपकी नहीं, सपोज करो जग में पानी पड़ा, ठीक है, पानी जग में पड़ा, आपने उस पानी को गिलास में ले लिया, तब तक पानी की शेप थी जग की शेप। जब आपने उस पानी को गिलास में डाल दिया तो अब उसकी शेप हो गई गिलास की शेप। तो कहने का मतलब ये है कि लिक्विड स्टेट की, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, इन द पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है, और इसकी कोई शेप नहीं होती, ये कंटेनर की शेप में ले लेता है। बॉटल में पानी पड़ा है, तब तक उसकी शेप बॉटल की है। वो पानी आपने गिलास में किसी मग में डाल दिया, वो शेप उसकी मग में ले ली। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। आप ये मत समझना ये फाइनल एक्सप्लेनेशन है, मैं इसके फीचर्स अलग से करवाऊंगी, सबके सेपरेटली करवाऊंगी, फिर डायग्राम करवाऊंगी। तो
आज फर्स्ट डे है, तो आपको उस मापकोट का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इतनी बार समझ रहे लिक्विड स्टेट की? समझ रहे लिक्विड स्टेट? ठीक है, लास्ट पढ़ो गैसेस स्टेट। ये हमारी तीसरी स्टेट ऑफ मैटर होती है, इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, और इसका एग्जांपल होगा ऑक्सीजन गैस। मतलब ये हमारे ना गैसेस होती है, गैसेस मतलब वो चीजें जो हमारे वातावरण में होती है, जिनके थ्रू हमारे सारे लिविंग पॉसिबल होते हैं। ये हमारी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो चीजें जो हमारे वातावरण में होती है, नाइट्रोजन, हेलियम, हाइड्रोजन, कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारे वातावरण में होते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझे? ये समझ आ गया सॉलिड लिक्विड गैस होती क्या? फीचर सम कर देंगे। अब असाइनमेंट बन है, करोगे तो आप घर पे, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, मेरी स्क्रीन स्क्रीन देख रहे हो, अपना पीडीएफ देख रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये एक सेल्फ असेसमेंट है और एक असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ये करने को घर से, लेकिन ये मैं टैली करवा दूंगी आपको, अभी बता दूंगी, डिस्कस करवा दूंगी। सेल्फ असेसमेंट आपको घर से करना, होमवर्क है आपका। चलो, इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन से स्टेट ऑफ मैटर है। वेरी इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है, टू इजी। ऐसा आपके एनसीईआरटी का भी बुक का क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, मैं कर लूंगी। पहला है हमारा टेबल, टेबल मुझे बताओ इज दैट सॉलिड लिक्विड और गैस? हाँ, तो ना सॉलिड स्टेट। सेकेंड है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सॉलिड लिक्विड और गैस? गैस स्टेट, वेरी गुड, गैस स्टेट लिख देना। थर्ड है फ्रूट जूस, फ्रूट जूस और जूस हमारा सॉलिड लिक्विड गैस कौन सा है? लिक्विड स्टेट, गुड। देन सल्फर, सल्फर हमारा सॉलिड लिक्विड गैस? नहीं, गैस होती, गैस गैस, सल्फर का गैस, सल्फर की तो वजह से ना ना, सल्फर की वजह से तो आपको हमारे जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लगा, सल्फर का गैस, तो ये गैस है उस स्टेट का। नेक्स्ट प्लेट, जो घर की कप प्लेट होती है, प्लेट, हाँ। देन टी चाय, वेरी गुड। देन विंडो खिड़की, वेरी गुड। देन हेलियम, हेलियम भी गैस होती है, तो ये क्योंकि ये वो गैस होती है जो गुब्बारों में भरी जाते हैं, बलून में जो भरे जाते हैं वो हेलियम गैस होते हैं, तो ये भी गैस होती है। देन नाइन्थ बलून, हाँ सॉलिड, और इसके अंदर की जो गैस होती है वो गैसेस, वो गैसेस इसके। नेक्स्ट वाटर जब, ध्यान से पढ़ना, वाटर जग, वाटर नहीं जग, नहीं वाटर का जग, ये क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड या गैस? हाँ वेरी गुड, बच्चे में कंफ्यूज हो जाता है, ना देखते बस वाटर देख के लिक्विड लगा देता, पानी का जग सॉलिड, ठीक है, ये कर सकते हो आप असाइनमेंट के। हाँ बोलो, सॉरी मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर बोलो। क्या रबड़ का होता है? रबड़ का क्या होता है? बलून। अच्छा चलो, आप उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, आप ये मान लो फूला हुआ बैलून, वो मान लो जो ब्लोड बैलून कहलाता है, वो सॉलिड होता है। हाँ बस ठीक है, हाँ 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 चलो ठीक है। बाकी अब अभी एक सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन एक बार ट्राई करना घर से, एंड होमवर्क जरूर जरूर करना। आई वॉन्ट माई होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है।